वो ऐसे देखते हैं जो बुराई है। अच्छा। ये बुराई आ गई है, खुद जर्मनी नहीं गया हूँ, पासपोर्ट यूँ उठा के फेंकते हैं, इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं, हमारा पासपोर्ट से हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते हैं, हमारा क्यों फेंकते हैं? हमारा कि हम बेईमान है। और इंडिया, इंडिया को नहीं वो समझते, वो कहते हमारा ये मुखलस है। जो इंडिया की पब्लिक है ना, जो पब्लिक है वहाँ पे, जो सिचुएशन रियलिटी जो है ना, वो ये है कि वो हमसे भी ज्यादा गरीब है। दूसरे मुल्क ये चाहते हैं कि मुसलमान डेवलप ना हो सके। सऊदीया मुसलमान नहीं है? सऊदीया मुसलमान तो है, लेकिन वो अंदर खाने 19 के साथ मिला हुआ। क्यों मिला हुआ? कुछ तो वजह होगी, कुछ तो हमें भी कमी होगी ना, सिर्फ सऊदीया दुबई। यहाँ वो आते हैं, यहाँ आके सिर्फ गरीबों का तमाशा देख के चले जाते हैं। सऊदीया भी आता है, वो सारे मुल्क इसने करते हैं, और क्या करते हैं? स्किल होती है, पाकिस्तानियों के पास स्किल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है। पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम ज़्यादा है, हमारे पास जो यूट्यूब चैनल है उसकी जो 51% जो शेयर होल्डर्स हैं वो इंडियंस हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर करते हैं। ये बताएगा हिंदुस्तानियों की दुनिया क्यों इज्जत कार्ड है? ये तो अब देखें कि हम नाम के मुसलमान रह गए हैं, ये सिचुएशन है। अदरवाइज हम कलमा जो है वो पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अदरवाइज हमारी जो हैबिट्स हैं वो कोई भी ऐसी नहीं है कि जिसमें एक सच बोलना भी जो है ना वो भी हम नहीं बोलते। मतलब डॉलरों में लोन ले लिया हुआ है, अब वो डॉलर, जब वो लोन लिया था डॉलर था 140 रुपए का, आज डॉलर 300 रुपए के। चाइना को अमीर बनाने वाला पाकिस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तान की उसकी सारी प्रोडक्ट पाकिस्तान में बिकती ज्यादातर, आपके पाकिस्तानी उसे अमीर बनाया ना उसकी। दोस्तों, जब देश का GDP स्ट्रांग हो जाती है तो उसके सामने दुनिया झुक जाती है। आज भारत ने सबको झुकने पे मजबूर कर दिया है। दुनिया कह रही है हमारे यहाँ आइए फ्री में ट्रेवल कीजिए, 60 देश फ्री में वीजा दे रही है। दोस्तों, अदर कंट्री फ्री वीजा तो दे रही है, साथ में भारतीयों को सम्मान भी दे रही है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, उनका जो हाल है लगभग सबको पता ही होगा। 14 देश फ्री वीजा दे रही है मात्र, जबकि 24 से 25 देशों ने वीजा बैन कर दिया है। किस तरह पाकिस्तान का दूसरे देशों में स्वागत होता है ये तो पाकिस्तानी ही बताएंगे। दोस्तों, कौन सा देश कितना अच्छा है इसी से पता चल रहा है, चलिए वीडियो देखते हैं। पाकिस्तानियों को बाहर के ममालक में किस नज़र से देखते हैं? वो ऐसे देखते हैं जो बुराई है। अच्छा। ये बुराई आ गई है, सऊदीया भी नहीं हमें अच्छा समझता भाई। खुद जर्मनी गया हूँ, पासपोर्ट यूँ उठा के फेंकते हैं, इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं, हमारा पासपोर्ट से हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते हैं, हमारा क्यों फेंकते हैं? हमारा कि हम बेईमान है। और इंडिया, इंडिया को नहीं वो समझते, वो कहते हमारा ये मुखलस है। सऊदीया जो है बेसिकली ये वो हमारे गुण तो गाता है पाकिस्तान के, लेकिन वो अंदर खाने किसी और के साथ मिला हुआ है। किनके साथ मिला हुआ है? वो तो आपको पता, हमारा हम जाया मुल्क है, वो उसी के साथ मिला हुआ है ना, वो इंडिया के साथ मिला हुआ है। बिल्कुल, जितने भी है ना ये सारे दूसरे मुल्क ये चाहते हैं कि मुसलमान डेवलप ना हो सके। सऊदीया मुसलमान नहीं है? सऊदीया मुसलमान तो है, लेकिन वो अंदर खाने 19 के साथ मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ? कुछ तो वजह होगी, कुछ तो हमें भी कमी होगी ना, सिर्फ सऊदीया दुबई। यहाँ वो आते हैं, यहाँ आके सिर्फ गरीबों का तमाशा देख के चले जाते हैं। सऊदीया, सऊदीया भी आता है, वो सारे मुल्क इसने करते हैं, और क्या करते हैं? लोन भी तो आपको इतना दिया है इन ममालिक ने। वो लोन जिन्होंने लिया है बस, वो लोन ना समझ रहे हैं उनको, उन्होंने डॉलरों में लोन ले लिया हुआ है, अब वो डॉलर, जब वो लोन लिया था डॉलर था 140 रुपए का, आज डॉलर 300 रुपए। जैसे इंडिया के जो हैं वो अपने मुल्क को पहले करते ना पहले, वो तो उनको जितने मर्जी हो, उनको पता है वो हमारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। हमारे लिए कौन दोस्त नहीं हो सकते? हमारे काफर हमारा दोस्त हो सकता है? चाइना कैसे आपका दोस्त है? चाइना तो शायद चाइना से शुरू से है कि वो है कि वो मुस्लिम है। नहीं, वो मुसलमान तो नहीं है, लेकिन उसमें ये है कि वो ना चाइना जो है ना, चाइना में शुरू से सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट नहीं कर रहा, गुलाम बना रहा है, सपोर्ट कहाँ से कर रहा है? उसके प्रोडक्शन बिजनेस, लेकिन है कि चाइना को अमीर बनाने वाला पाकिस्तानी है। यानी उनकी इकोनॉमी अगर दूसरे नंबर पर है तो पाकिस्तान की बदौलत जो वो चीज़ें प्रोडक्शन बनाते हैं, ये भी तो प्रोडक्शन बनाए ना अपनी, जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हमारा तो मुल्क में देखो ना कितना जरूरी मुल्क है, इधर जमीन भी सोना उगल रही है हमारी। क्या वहाँ पर अलग से चेकिंग, आपने देखा हमारी चेकिंग होती है? आपकी जगह कोई भारतीय हो फिर उसे तो क्या निकल जाएंगे आप, क्लियर है। हाँ, पर जो लोग जाते हैं पाकिस्तान से उनको किस किस तरह की नौकरियों पर आपने बैठे हुए देखा? झाड़ू मारते हैं, कहीं फूल बेचते हैं, मैं खुद फूल बेचता था वहाँ जर्मनी में। क्यों झूठ बोले? क्योंकि यहाँ हमारे पास पैसे नौकरियों पे ऑफिस में नहीं बैठा, नहीं वो नहीं बैठा, झूठ है जो भी कहता है। हाँ जी, तो किस तरह से हम लोग इस वक्त अगर हम देखें तो हर पूरी वर्ल्ड में इंडियंस को बुलाया, बस इंडिया, हर पास इंडिया छाया हुआ। आप देख लें, मैं सऊदी अरब उमरा करने गया था बंगाली मार्केट में, सब बंगाली है उधर, इंडियन है बंगाली, बस पाकिस्तानी कोई मुलाजम नहीं। वहाँ ये हाल है, हमें ज़्यादा वो पानी अल्लाह ताला सबको दिखाए।
पानी पलाने पे, खाना कहवा में, मक्के में, ये हमारी ड्यूटियाँ लगाते हैं वो बस। तो ये यकीन हमने भरोसा अपना खुद ही तोड़ा है, खुद तोड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद से नाम का पढ़ते हैं। ये बाहर कोई देख लेता है पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो स्पेशल चेकिंग होती है, इंडिया का पासपोर्ट कोई देखता है तो उनकी चेकिंग की जरूरत नहीं होती, जाए भाई आप, ऐसे होता है, ऐसे क्यों? पाकिस्तानी जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा लालची होते हैं, इनको जहाँ पर भी ज़्यादा रिसोर्सेज नज़र आते हैं चाहते हैं कि बस इनके पास ही हों। एज अ पाकिस्तानी मैंने खुद इस चीज़ को फील किया और बहुत दफ़ा मतलब इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लास्ट टाइम एक जगह मेरा विजिट हुआ था और वहाँ पर मतलब ना पैसेंजर्स वेट कर रहे थे और सऊदी अरब के पर्सन थे, उमरा का एक्चुअली फ़्लाइट का वेट हो रहा था, तो उन्होंने जैसे कोई भी चीज़ तबरुक वगैरह हम कह लेते हैं उन्होंने वो सब में तकसीम करना था, तो वो सबके आगे शॉपर्स थे जो हैंडबैग्स थे वो प्रोवाइड कर रहे थे और सब ने एक एक जितनी उनको ज़रूरत थी उन्होंने उतना उतना निकाला। एक पाकिस्तानी बुज़ुर्ग वहाँ पर थे और उन्होंने क्या किया कि वो खा भी नहीं सकते मतलब वो उन चीज़ों को, कैंडीज़ वगैरह को, उन्होंने जितना उनके हाथ में है उन्होंने फुल वो मतलब पकड़ के कोई 6 to 7 पैकेट्स पकड़ लिए हैं और वो सब जितने भी लोग इर्द गिर्द बैठे थे वो देख रहे थे और उन्होंने देख के ही पता लग सकता है कि ये पाकिस्तानी है, उनकी एक अलग आइडेंटिटी होती है, वो जहाँ मर्जी चले जाएं वो छुप नहीं सकते। अगर भारतीयों की बात करें मुझे इतना आइडिया नहीं है उनके रिलेटेड क्योंकि मेरी उनसे इतनी ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं हुई है, इंट्रैक्शन नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है उनकी ऐसी कौन सी चीज़ें जो उनको पूरी दुनिया में मशहूर करती है? उनका लॉयल्टी वर्क और उन वो जिस तरह से अपने काम को लेकर सिंसियर होते हैं वो उनकी वो चीज़ एक्चुअली। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।